हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे रियलिस्टिक आइस को बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैं बहुत ही नॉर्मल टूल्स का यूज़ करूँगा, जैसे कि 4B पेंसिल, HB पेंसिल और ये टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर। तो अगर ये आपके पास इरेजर नहीं है तो आप एक नीडेड इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं, जो क्ले जैसा नहीं होता, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वो ईजिली मिल जाता है और सस्ता भी होता है, तो उसको भी आप लोग यूज़ करके बना सकते हैं। तो ज़्यादा आप लोग मटेरियल्स पे ध्यान ना दीजिए, उसके चक्कर में बहुत से लोग ड्राइंग कर नहीं पाते हैं। तो आपके पास जो मटेरियल है उससे आप लोग शुरू कर दिए। और अगर आपको सिर्फ एक पेंसिल से बनाना है तो मैं आपसे कहूँगा कि 4B पेंसिल को यूज़ करें, क्योंकि 4B पेंसिल जो होती है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। उससे आप लोग लाइट डार्क दोनों वैल्यूज़ को आसानी से ऑक कर सकते हैं। मैं भी ज़्यादातर अगर सिंगल पेंसिल से बनाता हूँ तो 4B पेंसिल यूज़ करता हूँ। तो चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि रियलिस्टिक आइस को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग HB पेंसिल को यूज़ करके एक सर्किल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कोशिश करिए कि सर्किल को एकदम हम लोग लाइट बनाएं और एकदम गोल भी हो। और अगर आपसे नहीं बन रहा तो फिर आप जो है एक बार अगर ओवल व्यू आपसे बन गया है तो उसी के ऊपर आप ऊपर से पेंसिल चला चला के उसको गोल कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आइस के एंगल को सेट करेंगे। तो एंगल को आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आइस कैसी आप बना रहे हैं, थोड़ी टेढ़ी बना रहे हैं या सीधी बना रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो एंगल बना रहा हूँ वो सर्किल का जो एकदम सेंटर है उससे थोड़ा नीचे की तरफ एंगल बना रहा हूँ। ये देख सकते हैं मैंने ये एंगल बना लिया। अब इसी के ऊपर हम लोग अपनी पूरी आइस बनाएंगे। तो आइस के कॉर्नर के लिए मैं सर्किल के बाहर की तरफ इसका कॉर्नर बना रहा हूँ। यह आप लोग किसी भी शेप में बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा यूनिक बनाने की कोशिश करिए। अब इसके बाद ऊपर की क्रीज को हम लोग राइट वाले पॉइंट से जोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी पेंसिल को अपवर्ड ले जाएंगे, ये ऊपर ले जाने के बाद इसको हम लोग ऐसे ही राइट में फ्री हैंड ड्राइंग करते करते अपना राइट में इसको ऐसे ला के पॉइंट से जोड़ देंगे। बॉटम लिड बनाने के लिए हम लोग जो है इसको थोड़ा शैलो कर देंगे। अभी मैं आप देख सकते हैं मैं राइट से लेफ्ट में ले जा रहा हूँ, तो थोड़ा इसको शैलो कर देते हुए अपने लेफ्ट पॉइंट से जोड़ देंगे। तो अब मैं आइस की अपर क्रीज को बना लेता हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैं लेफ्ट साइड में जो क्रीज बनाना चालू करूँगा वो सर्किल के अंदर से बनाना चालू करूँगा, और थोड़ी अच्छी खासी जगह दे के ये क्रीज बनाएंगे, क्योंकि हम लोग एक ओपन आइस बना रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा ये क्रीज तभी बनती है जब आइस ओपन होती हैं। तो अब इसको ले जाके अब ये जो क्रीज है ये सर्किल के बाहर तक के आएगी। अब मैंने जितनी भी कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई थी उन सबको इरेज कर लेते हैं। और इरेज करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर, और अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई नॉर्मल इरेजर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इरेज कर लेने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आयरिस को बनाना। आयरिस को बनाने के लिए हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इक्वल जगह छोड़ेंगे, तब बनाएंगे आयरिस को। आयरिस को बनाने के लिए आप लोग अंदर एक सर्किल बना लीजिए और बाकी जो पार्ट बाहर निकले उसको आप लोग बाद में इरेज कर लिएगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसके लिए पूरा सर्किल बना लेता हूँ। अब सर्किल बना लेने के बाद जो एक्स्ट्रा एरिया निकल रहा है सर्किल का उसको हम लोग इरेज कर लेते हैं आईलिट के ऊपर वाले हिस्से को। अब आप देख सकते हैं आपका पूरा आयरिस आइस के अंदर आ गया गोल गोल। अब हम लोग आइस की अपने मेन हाईलाइट बनाएंगे। यह हाईलाइट रिफ्लेक्शन की तरह होती है जो कि हम लोग को बताती है कि हम लोग का लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है। और ये किसी भी शेप में हो सकती है, ये स्क्वायर में भी हो सकती है, सर्किल में भी हो सकती है, ये आइस के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से लाइट सोर्स आ रहा है। अब इसके बाद अगला स्टेप जो है हम लोग पीपल को बनाएंगे। पीपल को बनाने के लिए हम लोग जो है अपने आइस का सेंटर को ले लेंगे। सेंटर बनाने के लिए हम लोग हॉरिजेंटली और वर्टिकली सर्किल को कट कर लेंगे, जिससे जो बीच का पॉइंट होगा वो हम लोग का सेंटर हो जाएगा। अब हम लोग पीपल को बना लेते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पीपल का साइज होता है वो आपके रूम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप डार्क रूम में बैठे हुए हैं तो आपका पीपल बड़ा दिखेगा, और अगर आप ब्राइट रूम में बैठे हुए हैं तो आपका पीपल छोटा दिखेगा। तो मैंने ये ब्राइटर रूम का पीपल बनाया है तो ये थोड़ा छोटा है। अब इसको बना लेने के बाद हम लोग इसको जो है शेड कर लेंगे अपनी HB पेंसिल से ही, थोड़ा डार्क शेड करेंगे हार्ड प्रेशर के साथ। तो इसको जो है हम लोग डार्क शेड से डार्क प्रेशर से आराम से अपना शेड कर लेते हैं। अब पीपल बना लेने के बाद हम लोग अपने आयरिस को जो है लाइटली शेड करेंगे, पूरी उसकी रिंग को शेड करेंगे, मतलब कि हल्के हल्के शेड्स के साथ, ताकि जो है वो आसानी से पेपर में ही ब्लेंड हो जाए और उसकी लाइन ज़्यादा ना दिखे।
आप देख सकते हैं इसको हल्के हल्के से अपना शेडिंग देते रहना है, और अगर उससे भी ना हो तो फिर आप लोग जो है ब्लेंडिंग स्टेम भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग पूरे अपने आयरिस को जो है शेड कर लेंगे, और आप देख सकते हैं मैंने जो पेंसिल को पकड़ रखा है वो थोड़े टेढ़े एंगल पे पकड़ रखा है ताकि एकदम इवनली शेड हो पूरे आयरिस में। और जो हम लोग की हाईलाइट है उस पर हम लोग शेड नहीं करेंगे, उसको हम लोग जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा लाइट रखेंगे ताकि ये हाईलाइट आखिरी में एकदम चमक के आए। इसके बाद हम लोग आइज़ के जो हाईलाइट है उसके ऊपर जो है थोड़ा डार्क शेड देंगे ताकि जो है हम लोग की जो ऊपर से हम लोग का लाइट सोर्स आता है ना तो शेडो एक बनाता है, तो हाईलाइट के ऊपर जो होगा थोड़ा डार्क एरिया रहेगा। तो उसी तरीके से हम लोग पूरे आयरिस में जो है अच्छे से थोड़ा शेड देंगे। अपने हिसाब से आप शेड दे सकते हैं, थोड़ा डार्क भी अपने हिसाब से हल्का भी दे सकते हैं। इसके बाद भी हम लोग शेड को बढ़ाते रहेंगे जब पूरी ड्राइंग हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग पूरी हो जाने के बाद अंदर के शेड्स हल्के लगने लगते हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से शेड उसको बढ़ा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने हिसाब से इसमें शेड मैं देते जा रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से शेड दे सकते हैं, और इसको जब पूरी हो जाएगी ड्राइंग तो उसको हम लोग बढ़ा लेंगे और घटा भी लेंगे अपने हिसाब से। वैसे घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बढ़ाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग जो है अपने प्यूपल के ऊपर और आयरिस के अंदर हम लोग एक वेवी रिबन बनाएंगे आइस के लिए। एकदम रैंडम लाइन बनानी है आपको, जैसे कि मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप लोग देखते रहिए, एकदम सेम नहीं बनानी है, थोड़ी रैंडम लाइन बनानी है जो कि हम लोग का आई का रिबन हो जाएगा। अब हम लोग स्पोक्स बनाएंगे जो कि प्यूपिल के सेंटर से निकलेंगी, कोशिश करिए कि ये एकदम सीधी रहें। मैं यहाँ आपको ऊपर बता देता हूँ कि कैसे आप लोग को वेव निकालनी है, स्पोक्स जो है टेढ़ी टेढ़ी ना निकालिएगा ऐसी, जब भी सर्किल बना के एकदम सीधी सीधी निकालिएगा स्पोक्स ऐसे। ये सही तरीका और ये गलत तरीका है, ऐसे आप लोग को टेढ़ी वेव्स नहीं निकालनी है। तो ऐसे हम लोग पूरे में स्पोक्स बना लेते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये जो पीपल के बीच में स्पोक्स हम लोग बना रहे हैं इसके बीच में जो एरिया खाली रहेगा वही हम लोग की आगे चल के हाईलाइट बन जाएंगी, जो कि रियलिस्टिक लुक लाएंगे हम लोग की आइज़ में। तो ये जो है ध्यान रखिए कि सारी स्पोक्स एक दूसरे से मिल ना जाए। तो स्पोक्स बना लेने के बाद हम लोग नीचे की तरफ से थोड़ी हाईलाइट थोड़ी डार्क कर दे रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं मैंने इसको स्लो कर रखा है कि आप लोग को दिखा सकूँ कैसे मैं हाईलाइट दे रहा हूँ। अब इसको आप लोग स्लोली स्लोली हाईलाइट दे दीजिएगा, मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा है, आप लोग कोई जल्दी ना करिएगा हाईलाइट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये सब बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, इसको बहुत ही धीरे धीरे करना चाहिए और बार बार इरेज भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि तेज़ काम करने से बार बार इरेजर यूज़ करने से अच्छा आप लोग धीरे धीरे काम करें। अब रिबन बना लेने के बाद हम लोग रिबन के आउटवर्ड भी शेड करेंगे, जो कि छोटे छोटे थ्रेड्स का शेड्स हम लोग देंगे, और कोशिश करिएगा कि ये जो थ्रेड्स हो ये आपके रिबन से दूर रहे, मतलब रिबन में मिक्स ना हो, और ये आते आते बाउंड्रीज के पास जो है एकदम फेड हो जाए। अब इसके बाद मैं अपने टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करूँगा हाईलाइट देने के लिए। आप देख सकते हैं रिबन के नीचे जो थ्रेड्स हैं उसके बीच में मैं हाईलाइट देता जा रहा हूँ ताकि ये काफ़ी हाईलाइटेड और काफ़ी रियलिस्टिक लगे। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग नीडेबल इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप लोग एकदम फाइन पॉइंट बना के उससे आप लोग आसानी से हाईलाइट्स बना सकते हैं। अभी जो रिबन के बीच में स्पोक्स हैं इसको भी हम लोग अलग करने के लिए जो है अच्छे से अपने इरेजर के यूज़ करके हाईलाइट्स को बना लेंगे। अब इसके बाद जो एरिया ज़्यादा मुझसे इरेज हो गया उसको मैं पेंसिल की मदद से जो दोबारा से हाईलाइटेड अपना शेड कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि रिबन के बीच बीच में जहाँ पे ज़्यादा इरेज हो गया वहाँ पे मैं इसी पेंसिल यूज़ करके दोबारा से डार्क कर दे रहा हूँ। अब मैं 8B पेंसिल को यूज़ करके ये जो इसकी बाउंड्रीज हैं और जो हाईलाइट्स के अपर एरिया है इसको अच्छे से डार्क कर लूँगा ताकि ये थोड़ा शाइन करे हाईलाइट वगैरह। अब इसके बाद हम लोग आइस का जो लेफ्ट एंड है उसको हम लोग शेड करेंगे। शेड करने के लिए आपने देखा होगा कि मैं पेंसिल के एंगल को थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूँ ताकि एकदम इक्वली शेड आए। तो अभी के लिए मैं शेडिंग को बहुत ही लाइट रखूंगा, जब ये पूरी ड्राइंग बन जाएगी उसके बाद हम लोग आके वापस अपना
डार्क और लाइट अपने शेडिंग को कर सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग आइस के अंदर शेड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैं थोड़ा कर्वी शेड दे रहा हूँ ताकि जो है हम लोग आइस को थोड़ा डेप्थ दिखा सकें, कि मतलब कि ये अंदर की तरफ 3D में दिखे। ये देख सकते हैं आप मैं कि थोड़ी कर्वी शेडिंग कर रहा हूँ इसमें। तो आइस का जो लेफ्ट साइड है उसमें हम लोग थोड़ी डार्क शेडिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो लाइट सोर्स है वो राइट साइड से आ रहा है। तो हम लोग जो आइस के अंदर की लेफ्ट साइड की शेडिंग है उसको थोड़ा डार्क करेंगे, और जो राइट साइड की शेडिंग होगी उसको थोड़ा लाइट करेंगे, क्योंकि लाइट सोर्स हम लोग का राइट साइड से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं आइस की जो राइट साइड है उसमें मैं थोड़ा लाइट शेड कर रहा हूँ। तो लेफ्ट राइट शेड करने के बाद हम लोग जो है ऊपर की तरफ भी शेड करेंगे, क्योंकि हम लोग की जो आईलैशेज होती है उनसे भी शेडोज बनती हैं, और हम लोग की लाइट सोर्स भी जो आती है वो ऊपर से आते टाइम शेडो बना देती है, तो इसलिए हम लोग ऊपर की तरफ भी शेड करेंगे। अभी सारी शेडिंग कर लेने के बाद आयरिस की जो बाउंड्रीज है उसको मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से थोड़ा मिक्स कर लूँगा बाहर के शेडिंग से, ताकि ये थोड़ा 3D लुक लाए। अब जो हम लोग की इनर आइज है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम लोग अपर क्रीज को बनाते हैं। तो मैं इसको डार्क कर लेता हूँ पेंसिल से, HB पेंसिल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, हार्ड प्रेशर यूज़ करके। अब इसको डार्क कर लेने के बाद मैं थोड़े रिंकल्स बनाऊंगा आइस के लेफ्ट साइड में, जो कि हम लोग को रियल लाइफ में नहीं दिखते हैं। ये जो है जब आइस खुलती है तो हम लोग के जो है कलर से ही टेक्सचर से मैच कर जाते हैं, ये कलर चेंज होता है, बस यहाँ पे दिखते नहीं है अलग से। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़े से रिंकल्स इसके लिए बनाए ले रहा हूँ, और अब मैं ऊपर के एरिया को पूरा शेड करूँगा। शेड करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि मैं ऐसे सीधे सीधे शेड नहीं करूँगा, ऐसे लाइन लाइन ऐसे मतलब कि एक एक लाइन ड्रॉ कर करके शेड करूँगा, अलग अलग स्ट्रोक्स दूंगा हर एक लाइन को, ताकि थोड़ा कि स्किन का टेक्सचर आ जाए, और बीच का जो एरिया छूटेगा उसको हम लोग वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि वही हम लोग का स्किन का टेक्सचर लाएगा आगे चल के। आप लोग देख सकते हैं मैं एक एक स्ट्रोक्स अलग अलग मार रहा हूँ। इस तरीके की शेडिंग को कॉन्टर शेडिंग टेक्निक कहा जाता है, जो कि बहुत से लोग यूज़ करते हैं जब ये लोग हाइपर रियलिस्टिक चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग स्ट्रोक्स को मैं लगाता चला जा रहा हूँ, और ये बन जाएगा आसानी से। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग का जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड से ज़्यादा डार्क रहेगा, क्योंकि हम लोग की जो लाइट सोर्स है वो राइट तरफ से आ रही है, तो हम लोग का लेफ्ट साइड जो होगी वो ज़्यादा डार्क होगी एक्सेप्ट राइट साइड से। तो मैं इसको ज़्यादा डार्क कर लूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा डार्क शेड करने से अपर आई क्रीज जो है वो इनविजिबल हो गई है, तो हम लोग उसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि वो विजिबल रहे आइस। अब इसके बाद नीचे भी हम लोग वैसे ही कॉन्टोर शेडिंग टेक्निक का यूज करेंगे, और नीचे की तरफ भी वैसे ही शेड कर देंगे। अब नीचे की तरफ भी हम लोग थोड़े से रिंकल्स बनाएंगे, जो कि हम लोग ने ऊपर की तरफ भी बनाए थे थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने के लिए। अब नीचे की तरफ जो हम लोग शेडिंग करेंगे वो क्रॉस हैचिंग स्टाइल में करेंगे, ताकि हम लोग की जो नीचे की स्किन है वो थोड़ी रफ दिखे और रियलिस्टिक भी दिखती इससे। तो आप देख सकते हैं रिंकल्स के ऊपर मैंने जितनी भी शेडिंग करी है वो क्रॉस हैचिंग मेथड से करी है, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लुक आए। अब इसको थोड़ा रिंकल्स को हम लोग डार्क कर लेते हैं, और नीचे की आइस को भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि थोड़ी उभर के आए सब चीज़ें। इसके बाद आइस के ऊपर भी हम लोग शेडिंग कर लेंगे, जैसे हम लोग ने पहले करी थी कॉन्टोर शेडिंग मेथड के थ्रू। एक एक स्ट्रोक से स्ट्रोक बाय स्ट्रोक हम लोग को ऊपर शेडिंग करनी है। शेडिंग कर लेने के बाद पूरे में अब मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करूँगा, और आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे अपनी फिंगर के ऊपर टिश्यू पेपर को रोल कर रखा है, वैसे ही आप लोग भी करिए। और जिस डायरेक्शन में आप लोगों ने शेडिंग करी है कोशिश करिए कि उसी डायरेक्शन में आप लोग टिश्यू पेपर यूज़ करें, और बार बार टिश्यू पेपर की जो है ऊपर की साइड बदलते रहें, ताकि जो है आप लोग का जो डार्क एरिया वो लाइट एरिया में मिक्स ना हो, शेडिंग इधर उधर ना हो।
अब इसको टिश्यू से पूरी तरीके से ब्लेंड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो भी इसके शेड्स हैं वो काफ़ी लाइट हो गए हैं। तो इसके बाद हम लोग अपनी पेंसिल का यूज़ करेंगे और जितने भी शेड्स हम लोग ने पहले कर रखे हैं जैसे कि हम लोग की अपर क्रीज है और आइस की बॉर्डर वगैरह है उनको दोबारा से डार्क कर लेंगे। और हाँ, इसके बाद आप लोग जो है अपनी HB की जो पेंसिल हो उसको आप लोग चेंज करके 4B में कर लिएगा, क्योंकि इसके बाद जितने भी शेड्स हैं वो डार्क रहेंगे। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप अपनी वुडन 4B पेंसिल से भी डार्क कर सकते हैं। तो इसके बाद जितनी भी मैं आगे शेड्स करूँगा वो सब 4B पेंसिल से करूँगा। और आप देख सकते हैं कि मैं जो है ऊपर की तरफ थोड़ी हाईलाइट दे रहा हूँ, क्योंकि राइट साइड हम लोग की जो है लाइट रहेगी और लेफ्ट साइड डार्क रहेगी। तो ऊपर की तरफ थोड़ी हाईलाइट्स भी दे रहा हूँ ताकि थोड़े रिंकल्स आप लोग को दिख सकें आइस के ऊपर। तो इसके बाद हम लोग अपर क्रीज और जो भी एरिया डार्क है उनको थोड़ा डार्क कर लेते हैं अपनी 4B मैकेनिकल पेंसिल। तो अब जो हम लोग का अगला स्टेप है वो है आई लैशेज को बनाना। और आई लैशेज को बनाने का सबसे इजी तरीका है कि आप लोग अपने दिमाग में ये सोचिए कि आई लैशेज जे की तरह होती हैं, जे फॉर जोकर की तरह। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने नीचे बना के दिखाया, जे जैसे लिख रही हैं कि नहीं है। तो आप लोग अपने दिमाग में एक ध्यान रखिए कि जो है आई लैशेज जो बनानी है वो जे की तरह बनानी है। तो हम लोग जो है आगे की तरफ से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करिएगा जितनी रैंडम लाइन बना सकते हैं, जितनी रैंडम आई लैशेज बना सकते हो उतनी रैंडम बनाइए, क्योंकि रैंडम चीज़ें ही रियलिस्टिक लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा वीडियो को तेज़ कर दिया है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि कोई जल्दी वाली बात नहीं है। आप लोग एक एक हेयर को इंडिविजुअली बनाइएगा, और मैंने भी इस आई में जो है एक एक हेयर को इंडिविजुअली बनाया है। तो आप लोग कोई भी जल्दी ना करिएगा कि आई लैशेज आपकी ख़राब हो जाए। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे आई लैशेज बीच में आ रही हैं वो सीधी होती जा रही हैं, और जब वो राइट साइड में जाएंगी वो थोड़ी कर्वी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं मैं तीन तीन आई लैशेज को एक साथ जोड़ता चला जा रहा हूँ, ऐसे ही आपको करते करते पूरा राइट साइड तक के आई लैशेज को अपनी लेके आना है। और आप 4B पेंसिल का यूज़ करिएगा ताकि एकदम डार्क दिखे। आप लोग HB पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लाइट दिखेगी, और 4B पेंसिल से करने से जो है थोड़ा सुंदर दिखेगा ये। अब आप देख सकते हैं मैं राइट टू लेफ्ट भी इसको शेड करूंगा ताकि थोड़ी डेंस हम लोग की आई लैशेज दिखें। ये देख सकते हैं कि पूरा अच्छे तरीके से हम लोग उसको डार्क कर लेंगे ताकि थोड़ी डेंस। अब इसके बाद मैं नीचे की आईलैशेस बनाऊंगा ताकि आप लोगों को दिखा सकूं मैं रियल टाइम में कितने स्लोली बनाता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नीचे की आईलैशेस बहुत कम होती हैं, ऊपर काफ़ी घनी आईलैशेस होती हैं और नीचे की तरफ जो है एकदम हल्की हल्की रहती हैं। तो आप देख सकते हैं मैं नीचे भी जो है थोड़े रैंडम हेयर्स बना रहा हूँ, क्योंकि रैंडम ही रियल दिखता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी बनाएं, आप लोग अपने हिसाब से रैंडम आईलैशेस बना सकते हैं। इसीलिए मैंने इस पार्ट को स्लो रखा है ताकि आप लोग देख सकें कि रैंडमली कैसे बनाते हैं, और बहुत ही स्लोली बनाना होता है ये सब, ये नहीं कि तेज़ी तेज़ी में आप लोग बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ तक के आप देख सकते हैं कि आइस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी आप जो है शेड्स दे के इसकी वैल्यूज़ को ऑफ कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं ताकि ये और रियलिस्टिक दिखे। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ज़्यादा इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आई लैशेज के पास गोल गोल शेडिंग कर रहा हूँ अपनी पेंसिल से, ताकि वहाँ पर जो है थोड़ा रियलिस्टिक
शेड आए। तो वीडियो का जो अब ये जो आगे पार्ट होगा उसको मैं स्किप नहीं करूँगा, ना कि मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। और अगर आपको इसको स्किप करना है और आपको नेक्स्ट स्टेप जानना है तो आप लोग ऊपर वीडियो पर आने वाले टाइम पर जाके नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं, बाकी ये सब रियल टाइम वीडियो में रहेगा।
तो ये जो अगला स्टेप है इसमें मैं जेली रोल पेन को यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं हाईलाइट्स को और ज़्यादा ऑप्ट कर सकूँ। लेकिन अगर आपके पास ये जेली रोल पेन नहीं है तो आप इस ड्राइंग को यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये भी आपकी फुल कंप्लीट हो चुकी है ड्राइंग, इसके आगे आप लोग को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैं जेली रोल पेन का यूज़ करके आइस के लेफ्ट साइड में छोटे छोटे डॉट्स बना रहा हूँ ताकि वो काफ़ी रियलिस्टिक लगने लगे। तो आप देख सकते हैं कि आइस के लेफ्ट साइड में जेली रोल पेन को यूज़ कर लेने से ये काफ़ी रियलिस्टिक लगने लगा है। और इसके अलावा आप लोग अपने जितना चाहें उतना शेड इसमें कर सकते हैं। अगर इसको लाइट बनाना है तो लाइट बना सकते हैं, डार्क बनाना है डार्क बना सकते हैं। अभी भी अगर आपको कहीं कमी लग रही हो तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेड कर लीजिए या फिर उसको हल्का शेड रखिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, ज़्यादा शेडिंग से कभी ड्राइंग अच्छी नहीं लगती है, कई बार वो गंदी लगने लगती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि लेयरिंग में आप लोग काम करें और ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में अपनी ड्राइंग को ख़राब ना करिए कि एक ही ड्राइंग में आप लोग 4B 8B HB 2B सारी पेंसिल यूज़ करके आप लोग सोचेंगे अच्छी ड्राइंग बना लें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर जगह पर अलग अलग तरीके के शेड लगते हैं, वो मैं आगे आपको बताता रहूँगा, हर अपनी ड्राइंग में बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे शेडिंग भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं हर तरफ जो है थोड़ा थोड़ा जेली रोल पेन अपने हिसाब से यूज़ कर दे रहा हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आप लोग कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको समझ में आया हो कि कैसे रियलिस्टिक आइस को बनाते हैं। मैं इसीलिए एक एक स्टेप को इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि कैसे बनाना है, क्योंकि इंडियन यूट्यूब चैनल जितने भी हैं वो लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं बताते हैं। इसीलिए मैं वीडियो में ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा स्टेप्स बनाता हूँ और थोड़ी लंबी वीडियोज़ मेरी इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि मैं एक एक स्टेप को अच्छे से समझाता हूँ। और अगर आप लोग इस वीडियो को देखते देखते प्रैक्टिस करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो यकीनन आपकी जो है रियलिस्टिक आइस या फिर जो भी मैं ट्यूटोरियल डालूंगा वो आसानी से आप बनाते चले जाएंगे। तो बस जब आप मेरी वीडियो देखें तो आप एक रफ़ पेपर ले लें और एक पेंसिल ले लें, जो जो मैं स्टेप बताऊं वो आप लोग करते जाएं और आसानी से आप लोग सीख सकते हैं कैसे ड्राइंग करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू थिंक आई अर्न योर सब्सक्रिप्शन। थैंक यू।